देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पिछला हफ्ता आप दिखनी हा उस आपजी के मारे थई चित्ता हर मांग में सिंदूर भर ले रहे। घर चला हमरा साथ है, अगर हम जाइब तो गीत भी हमरा साथ जाई। हमारी हकबा आपके हर चीज के ऊपर, आप जितना जल्दी बात समझ जाइब उतना ही अच्छा हुई। वैसे देखल जाए ना तानिया जी, जो दिन हमार मांग में सिंदूर पड़ल रहे ना, वो रिश्ता के साथ है, हम तुहार बड़की भाभी हैं। अब बड़की भाभी के तो आपके बात माने के ही पड़ी ना। गीत I love you गीत। रोटी खाइब का साहब जी। हम तहरा से प्यार करत रहनी, एका गीत हम तहरा से कौनो और बात करत रहनी और तू कुछ और सवाल पूछत बनी। हम कहनी ना आई लव यू, हम तहरा से प्यार करत रहनी। आपके पता बाना साहब जी, हमार पापा जी को ढोली है और हम उनकर लेके आई, पर हम तहरा से प्यार करत रहनी। साहब जी आपके पता बा, जब घर के गुजारा मुश्किल हो जाए ना तो हमार मम्मी जी गाँव में जाके दिहाड़ी लगावेली और खेती में जमींदार के साथ काम करेली। हमरा नेखे फर्क पड़ता गीत, पर हम तारा के प्यार करता नहीं। हमनी गरीब लोग है साहब जी, आपके परिवार के खुश करे खातिर तो हमार माँ बाप शादी नहीं कर सकेले और कुछ लेवे तेवे के तब बात ही छोड़ दी। हमरा के कुछ न चाहिए गीत, कहे कि हम तारा के प्यार करता नहीं। आपके तो लोग ही नेखे जिए दिए हैं, जब वो लोग देख ली है कि एगो ढोली के लेके आपके साथ जा रहल पड़ी। हमार छोटी बहन के शादी होके वाला बा साहब जी, हमार पर बहुत सारा जिम्मेदारी पा। अभी हम हर जिम्मेदारी निभा ले हब गीत, काहे कि हम तहरा के प्यार करत नहीं। हमार एगो छोटा भाई भी बा, हम पढ़ लिख तो नहीं सकनी, पर हम नहीं चाहेनी कि हमार वजह से उनकरा ऊपर कोनो उंगली उठाए। हम उनकरा के पढ़ा लिखा के तरक्की के तरफ बढ़ावे के चाहेनी। हम तहार साथ दे हब गीत, हम इकट्ठा मिलके टीटू के पढ़ाईब, कहे कि हम तारा के प्यार करता नहीं। आप तो बाहर से आए हैं साहब जी, बहुत पढ़ा लिखा है, पर हमके तो एक अक्षर नहीं ख्याल पढ़े ले। तू जैसन भी बानी हमरा के बहुत सुंदर लगत भी है, हम तारा के प्यार करता नहीं गीत। आप समझत कहे नहीं है साहब जी, हम एगो ढोली के लेके हैं, आपकी और हमार मेल तक कबो भी नहीं हो सकेला। तू कहे नहीं समझत गीत, हम तारा के प्यार करता नहीं। तू जितना मर्जी सवाल पूछ ले, लेकिन हमार जवाब एक के रही कि हम तारा के प्यार करता नहीं। आप ऐसा मत कहीं साहब जी, मत बोली, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमार कान के आपकी बोल अच्छा लगे लग जाए। हे भगवान, कहीं हमके भी तो आपके साथ ना ना। ठीक बगीत, हम वो बात नहीं खे करब गीत, पर तार माथा पे आटा लगल बा, हम साफ कर। हमके हाथ मत लगाई साहब जी, हाथ मत लगाई हमके, एक बार तो हाथ लगा देनी ना आप, हमके लगा देनी ना हमार मांग में सिंदूर, हमार भी कोनो इज्जत बा, हमार भी कोनो पसंद बा, हमार भी सीना में दिल धड़के लाना, और हमके कोनो हक ना बाका कि हम अपन मर्जी से प्यार करें, या इहो हक नहीं के मिली हमके। चल जाइए आप यहाँ से, चल जाइए यहाँ से। गीत सारा दुनिया के साथ दिमाग लगा सकेली, सारा दुनिया के साथ लड़ सकेली, पर आपके सामना हम नहीं कर सके, नहीं हो सकेला साहब जी, एक कृपा करी हमरा पे। चल जाइए आप यहाँ से, चल जाइए। एगो बेटा ऐसे वापस कैसे चल जाइए, जबकि ओकरा पता बा ओकर माँ और दादी अपन बहू के घर आवे के इंतजार कर रहल बानी। अब तो खुद बतावा हम कैसे चल जाए। ना गीत, हम तारा के साथ लेके जाए। तोहरा के पता भी बा के बा उ लईकी? कौन बानी मम्मी? सुरजी ढोली के लईकी, गीत ढोली। ना कोनो मंत्र,
ना कोनो फेरा। ई कौन सी शादी भइल भला? केहू कुछ भी समझे, पर हम ई तमाशे की शादी ना मानेनी। कबो वीरा हम नखे मान सके नी झूठ के, हम नखे मान सके नी झूठ के, हम माने के नखे चाहे नी। मान नखे सकत पर काहे गीत? हम के नखे पता गीत। बिल्कुल स्टुपिड बानी, एकदम पागल। कहा था नहीं कि अगर हम बार बार ऐसा बात कही नहीं तब प्यार हो जाएगी। इतना तो हमरा के भी पता चल गईल। आई एम श्योर कि प्यार तो हो ही गईल, लेकिन हमने दोनों के बीच एगो फर्क बा गीत, कि हम बोल के अपन प्यार के इजहार के लिए बानी, और तू तहरा तब तहरा के इजहार करे आवत ही नहीं, अपन फीलिंग एक्सप्रेस करे ही नहीं क्या बता। Stupid. गीत, बेटी तोरा के पता बना कल करवा चौथ बा। फिर हम का करी? तू का करबू? तोरा के पता बना करवा चौथ वाले दिन सारी सुहागन व्रत रखे नी। हम के नहीं पता। का ना पता बा? तोरा के नहीं पता कि सारा सुहागन व्रत रखे नी, और जे सुहागन व्रत न रखे नी तो उ बद सुगनी होला। अच्छा, तब हम व्रत रख ली जोन साहब जी के लगे कि हम उनकर जिद बांध ले ले हैं। मम्मी जी, हम उनकर जिद के आगे नहीं झुके के बा। जकरा के तू जिद समझता रू ना, ये ओकर प्यार के सच्चाई बा, और तोरा के ये सच्चाई एक ना एक दिन माने के ही पड़ी। मम्मी जी, उ दिन कबो भी नहीं आई, कबो भी ना। उ दिन जब आए के होई तब आ जाई। हमार एक गो बात सुना, सवेरे होए से पहले 4 बजे सरगी खाए के बा, और माता रानी के पूजा करे के बा, और मंदिर के सजावट करे के बा। मम्मी जी, जब हमके व्रत रखे के ही नहीं बा, फिर हम सरगी काहे खाएं? ना खावा सरगी, मंदिर के सजावट और माता रानी की पूजा तो कर सकेलू ना। और पूजा के हम कहां मना कैले हैं? पूजा तो हम जरूर ही करब। पूजा जरूर करब। मम्मी जी। हाँ गीत। आई हिया। ये देखिए मम्मी जी, ये आपके खातिर हम अपन हाथ से बनाए ले हैं। पापा जी खातिर आप व्रत रखा था, यही खातिर था उनका लंबा उम्र बाना। हाँ हाँ, हमारी तोहर पापा के लंबी उम्र के खातिर व्रत रखी, और तू हमारे जमाई के लंबी उम्र खातिर कुछ मंत करिया। मम्मी जी, आप फिर सुबह सुबह ही का सवेरे सवेरे? हम तोरा के कोनो गलत बात नहीं खे कहा था। हम आपके रात में काले रहने ना, हम मंदिर के सजावट करके पूजा करब, और कुछ भी नहीं करे के बा। मर्जी बा तोहर, ई साल ना तो अगले साल सही सरगी भी खेबू और व्रत भी रखबू। हमके पता बा मम्मी, अगले साल के तक कोनो बात ही नहीं बा। हमके तो इस साल भी सरगी खाए के बा, और व्रत भी रखे के चाहत है, पर ई सब हम मल्हार साहब के नेखे बताए। कैसे बताए हम? उनकर घर में तो हमार कोनो जगह ही नहीं बा। मैनू लगया अल्लाह ने वाज मारी, बुलाया मैनू तू सी सजना। देख ली, अभी जे खाए के बा वो सब खा ली, फिर सारा दिन कुछ भी खाए के नहीं मिली। हाँ हाँ, कोई भी ई टाइम पे ई मत देखिया कि किकरा चीज में नमक ज्यादा बा और चीनी कम। अपन अपन पेट भर ला। बाकी लोग के बाद में समझिया, खुद भी खा ला आके तू लोग सरगी पिछले बार, याद बा? हाँ जी बुआ जी, बिल्कुल, हमने व्रत भी रखा और चांद देख के व्रत भी खोल ले। कुंवारी लड़की लोग भी तो रखे ली ना व्रत। तो ठीक बा, फिर अगर कुंवारी लड़की व्रत रख सकेली तो हम तो फिर भी घर के होके वाला बहु बानी। हाँ हाँ, तू भी रखिया व्रत, आवा सरगी खावा बैठ के। यहाँ जब भी खाए के होखेला ना, सूरज निकले से पहले ही खाए के होखेला करवा चौथ खातिर। मतलब सूरज निकले के बाद कुछ भी ना खाए के होखेला? हाँ सिमोन, जो अभी खा ले वो खा ले लो, फिर जब शाम के चांद दिखी तब चांद देख के ही व्रत खोले के जाला। अच्छा, मतलब सारा दिन भूखे रहे के पड़ी बस ये होखेला करवा चौथ?
या कुछ और भी हो खिला। ऐसा मत बोला करवा चौथ के बारे में, ये तो बड़ लोग के बनाए नियम बा। हर सुहागन अपन घर वाला के लंबी उम्र खातिर ये व्रत रखे ले। ठीक बा बुआ जी, ना कहा बैसन, पर सिर्फ व्रत ही रखे के पड़े ले। ना ना, दोपहर के 4 बजे मोहल्ला के सारा औरत लोग सुहागन के थाल लेके आवेली। और फिर सब औरत मिल के मंदिर जाके माता रानी जी के सुहाग की चुनरी चढ़ावेली। ओकर बाद करवा माई के कथा होखेला। फिर चांद देख के सारा सुहागन अपन व्रत खोले ली। वाह बुआ जी वाह, ये करवा चौथ के व्रत ता बड़ा ही इंटरेस्टिंग बा, बहुत मजा आई। ये व्रत ही हमरा खातिर मौका बा जकरा से हम सबके बता दे कि ये घर में केकर राज चली। का हो गेल मल्हार की, योगरा से पीछा काहे ना छुड़ा पा रहल बा। ढोली के लेकी गीत ऐसन कौन जादू कर देले बिया जौन ओकर पीछे पीछे भागत जा रहल बा। योगरा से पीछा छुड़ा भी पाई के ना। अंकल, नमस्ते अंकल। सदा खुश रहें बिटिया। आज तो आपके आशीर्वाद देवे के ही पड़े अंकल जी। हम समझ नहीं ना बिटिया। लंबे उम्र के आशीर्वाद मल्हार के, हम व्रत रख ले बानी नाच। सिमोन बिटिया, तोरे के जे करे क्या करा, हम तोरे साथ। अगर तू एक बार मेरा हाउस के अंदर आ गेल बाड़ू, फिर हम ना चाहने कि तू यहाँ से कहीं बाहर जाओ। हम तोरा हमेशा मल्हार के साथे खड़ा देखे के चाहेनी। हमरे घर की बहू खाली तू ही बाड़ू और तू ही रहू। गीत जे के मेरा से जीतल इतना आसान नहीं है, हम तोरा कबो भी जीते ना देव, कबो ना। जी अंकल जी, मल्हार के साथ ता हमारी शादी हुई। मेहरा हाउस के बहू ता हम ही बनब अंकल जी। हाँ बिटुआ, आप बस देखते जाए अंकल जी कि सिमोन मेहरा हाउस में का का करे ली। मम्मी जी, सिमोन तू? सिमोन, तू जसलीन भाभी के मम्मी जी कह लू? काहे बुआ जी, हम कह ना सके नी। वाह सिमोन, ये तो ऊ बात हो गई ना। लड़की पेट से, फसल खेत से, तो बिना कुछ होके ही रिश्ता बन गई। चाची जी, सीधा सीधा बोलिए तो आपके बात के जवाब भी दे देब हम। तो सीधी बात सुना, हम तो बस ई कह रहे हैं कि अभी मेहरा परिवार के बहुत अनेखे बनलू तू, और भाभी जी के मम्मी जी भी कह ले गेलू। मतलब मल्हार के बिना ही रिश्ता बन गेल भाभी जी के साथ। आपके कोनो हक ना बनेला हमारा ऐसन बेइज्जती करे के। हम यहाँ आपके बात सुनने ना आइल बानी चाची जी। चाची जी के अकल सिखावे वाला भतीजी के भी तक कैसे बात करे के चाहिए, ई तो आवे के चाहिए ना। अच्छा बुआ जी, तब फिर आप ही बता दी कि हमके कैसे बात करे के चाहिए बड़े लोगन से। कम से कम ऐसन ता बात करा कि तोहार बात सब लोगन के अच्छा ता लागे। ठीक बा, तब फिर चाची जी से भी कह दी कि वो भी उतना ही कहे जितना हमके सुने में अच्छा लागत हो। कि मेरा परिवार के बहू बन के आवत है कि आंधे बन के आते ही सबके सूखा पत्ता जैसन उड़ावे लग गई। एकर साथे तो हमके भी बना के रखे के पड़ी। जसलीन भाभी के दिन दब गईल। तो हमरा के बुलौले रहलू ना, का बात बा, का कहे के बा? बात तो हमके बहुत करे के बा आपसे मम्मी जी, पर हमके ई ता बोला इस सुहाग के सामान के थाल अब कहाँ लेके जात बानी? कहाँ लेके जाता रू, आज करवा चौथ बा, ई मेरा हाउस के रवाज बा, ई मेरा हाउस के रिवाज बा। माता रानी के थाली अपन हाथ से सजावे ली और ओकरा बाद माता रानी के समर्पित करे ली, और फिर लेडीज आपस में सुहाग की थाली बदले ली।
करवा माता के पूजा होई और शाम के फिर व्रत तोड़े के इंतजार। समझ में आ गई ना तोरा की सब कुछ? सवेरे भी बता ले रानी। हाँ सिमोन, हमेशा चाची जी ही माता रानी जी के मूर्ति के आगे अपन सुहाग के थाली समर्पित करेनी और फिर ओकर बाद मेहरा हाउस में व्रत की पूजा शुरू हो खेला। वैसे तो हम बहुत छोट बानी पर हम सुन ले बानी, जब से चाची जी यहाँ आई बानी तब से मेहरा हाउस में असने हो खेला, पर जो होकत आई बाना वो अब ना हुई। कहे कि ई बार मम्मी जी अपन सुहाग के सामान के थाल माता रानी के चरण में समर्पित ना करी है। हम ना करब तक के करी? मेरा हाउस के रसम्बा निभावे के तो पड़ी, हम सब लोग उहे के खातिर जाता नहीं। रिवाज तो ई बार भी निभी मम्मी जी, पर ई बार ना हमार दिल करत बा कि रिवाज हम निभाई, माता रानी के सुहाग के थाली समर्पित करी के बना हम कर दे, और फिर हम मल्हार खातिर करवा चौथ के व्रत भी रखब, और मेहरा हाउस में ई बार करवा चौथ के त्योहार ऐसने मनाई जाई। आप बस करवा चौथ की छुट्टी मनावल करी। सिमोन, ये सब का बा? का बोलत बाड़ू तू? ये छुट्टी मनावे के का मतलब बा? सिमोन, हमके लग रहल बा तुहार दिमाग हिल गेल बा। हाँ सिमोन, अभी तक तू ही घर के बहू ना बनने वालू, तरीवास तू नहीं भाई बू। ओ प्लीज गर्ल्स, तू लोग तो चुप ही रहा, तोहनी के साथ हमको ना बात भी ना कही बानी। आप बोली मम्मी जी, आपके तक कोनो एतराज ना बना? हमके पूछा, हमके एतराज बा? ई घर में करवा चौथ की कथा उस समय शुरू होखल रहे जब जसलीन भाभी जी ना माता रानी के थाली समर्पित करेली। तो के पता भी बा, जसलीन भाभी जी आपन सही हाथ से ही थाली तैयार करेली और फिर माता रानी के सामने थाली जाला। तब फिर का हो गई बुआ जी, एकरा में कौन सा बड़ा बात बा? ये बारे काम हम कर दी। वैसे भी इतना हक तो बा ना हमारे घर में, आखिर ये घर के बेटा मल्हार मेहरा हमार होखे वाला हस्बैंड जेबा। हम तो व्रत भी रख लेवानी मल्हार खातिर, ठीक कही नी ना मम्मी जी? हम थाल माता रानी जी के चरण में समर्पित कर सके नी ना? ना सिमोन, अभी तक ई जिम्मेदारी हमारी निभानी हा और एक रखे हमारी निभाई। ना मम्मी जी, ये बार तो हमें निभाए भी रसम। लाई दाहन के थाली। पीछे रहा सिमोन, सुहाग के सामान के थाली हम तोरा के कोने भी हालत में ना दे। डरत काहे बानी मम्मी जी? अगर इतना ही गलत बात था, एक गलत काम हम ही करत बानी ना? आपके कोनो पाप ना चढ़ी। तलाई दी हमके थाली। हाथ मत लगाइया थाली के। आप बहुत समझदार बानी मम्मी जी, अगला जनरेशन के बढ़ता हम ही बनवना। एक खातिर आज से सारा रसम हम निभाई। लेकिन सिमोन, पर कुछ ना मम्मी जी, थाली दी हमके। बहुत कुछ बदल जावेला मम्मी जी, अब आपके बारी सास बनने के बा मम्मी जी, और हम बन गई बानी घर के नई बड़ी बहू। तब से ना हम आपके इस जिम्मेदारी से छुट्टी देत बानी, कहे कि आज के बाद इस जिम्मेदारी हम निभाई। कहे कि अब तक करवा चौथ में माता रानी के चरण में सुहाग के थाल हम समर्पित करब। आवा आवा, चला चला सब हमार साथे, हम केहू से करवा चौथ के त्योहार मनावे से मना ना कहले बानी। हेने आवा जरा। हाँ जी। डिब्बी राइट, डिब्बी नाम बना था हर। हाँ जी। आज सबके करवा चौथ के व्रत तोड़े के बा,
घर के सिर्फ मिठाई और सूखा सब्जी से काम ना चली। यही खातिर आज डिनर में बढ़िया से पुलाव और चिकन बने के चाहिए। व्रत तोड़े के बाद सबके सारा दिन भूखे रहे के बाद डिनर तो बढ़िया चाहिए ना। ये तू का कहल बारू सिमोन, करवा चौथ वाला दिन चिकन के खाला? हमने सब खाए, तभी तो हम डिब्बी का चिकन खातिर कहनी। खाए वाला खा सकेले, लेकिन मेरा हाउस में चिकन ओहो करवा चौथ वाला दिन आज तक तैसन कबो नहीं की भइल। आज तक ना भइल ता आज ता होई। आज मेरा हाउस में बनी चिकन करवा चौथ वाले दिन है। पर करवा चौथ वाले दिन ता बहुत ही शुभ दिन हो खेला, और ये दिन ता सारा शुभ काम ही हो खेले ना। और इतना सारा शुभ काम के बीच में इतना अशुभ खाना। हम इतना साल में ई घर में रह रहल हैं और हम तो अभी तक केहू के भी मुंह से ऐसन कोनो बात भी नहीं की सुननी। और साथ ही सिमोन दीदी, आप जोन पूजा कर रहल हैं ना वो सही तरीका से नहीं कर रहल हैं। तू चुप करा। तो के साला पता बा पूजा के विधि के बारे में? बुआ जी, हम इतना साल से मेरा हाउस में रह रहल बानी, एक बार पहले ही बहुत कुछ ऐसा हो चुकल बा जो कभी मेरा हाउस में ना भइल रहे। अगर सुरजे ढोली के लेके घर के रिवाज उल्टा कर सके ली ना, तो सिमोन तो फिर भी घर के बहु बाड़ी ना। वाह कमो दीदी, सरकार बदलल ता पार्टी बदल लेनी। चलो डिब्बी तू जा यहाँ से। चला छोटी भाभी जी, चला सिमोन पूजा करके बाना, आजा सब लोग पीछे पीछे। दी ये खा के देखा ना पिंकी, तू खाला हमके नेकी खा के बा। खावत है सही दीदी, एक बार स्वाद तो देखा एकर। हम करी ना हमके नेकी खा के बा, तू खाला। ओहो दी, एक बार खाता सही, तू नेकी समझबू ना। अच्छा अब पता लग गई हमके, अब व्रत रख ली बानी ना करवा चौथ के? ना हम का है व्रत रखब? रहे दादी, आपके शक्ल से झूठ साफ पता लगत बा, आप करवा चौथ के व्रत रख लेवानी ना। पिंकी तू ज्यादा मत बोला, चुप करके उखाला। तो के हमरा से का बा? ठीक बा, फिर हम के आपसे का? पर आप बोली आपके मल्हार भाई साहब से का? कहे रख लेवानी आप व्रत? तू नहीं की समझबू ना, तो के कनी ना हम चुप करा। वैसे ही बोलत जा रहल बाड़ू। आप मान ली हम चुप कर जाए, ना बोलब के उसे। इला एक बार खा के ता देखा दी ना। पिंकी ये हम नहीं खा सके नी। कहे हम व्रत रख ले हैं। अच्छा जी, मतलब आप मल्हार भाई साहब से भाई शादी के मान लेनी? पिंकी हमने के ता शादी भइली बाना, पर तुके ना हमरा साथ एको वादा करे की पड़ी। हां जी दी, बोली का? तू ना केहू के भी नहीं बताइया कि हम व्रत रख ले हैं, ठीक बाना? ये कैसन बात भइल दी? पक्का वाला वादा आपसे, हम केहू से ना बोले व्रत के बारे में। बोले के तो हम मल्हार भाई साहब से भी ना बोले, लेकिन आप अपन व्रत के क्रा से तोड़ा करे के तो हमके ही पड़ी ना कुछ। हे भगवान, बड़की भाभी जी ये दिन भी देखे के पड़ी मेरा हाउस में। तुहार सामने बात सब कुछ जे होता, पर एगो बात सच्चा बा भाभी जी, अगर गीत आज मेरा हाउस में हो इतना तो सिमोन के इतना हिम्मत नहीं की पड़त, और अगर कर भी लेत तो गीत उनकरा के मुंह पे जवाब दे देती। हमने सब तो ओकर छोटा छोटा बात से ही डर जाते हैं, पर गीत जैसन बहादुर लेकी भी मेरा हाउस में होके के चाहिए रहे। आपके नेके पतावा का भाभी जी, अगर गीत होई तो यहाँ पे रहती तो का करती? पर हमके एगो बात तो बताई। का पूछे के बा? सिमोन मेरा परिवार के इतना बड़ रिवाज तोड़ देली, सारा रिवाज के उल्टा कर देली, आप ओकरा कुछ कहली काहे नहीं खे? ई घर के बड़का बहू तो आप है ना भाभी जी, वो तो ई घर में अभी तक शादी करके भी नहीं खेली। इतना साल से ई रिवाज हम कभी केहू के हाथ से होकर दिखले ही नहीं खे। सुहाग के थाल तो सबसे पहले आप माता रानी के सामने समर्पित करेनी ना, तो फिर आप कैसे सुहाग के थाल सिमोन के हाथ में लेके जाए देली भाभी जी? तोरा के तो पता है बा
वो जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन के ले गई। लेकिन ऐसे कैसे कोनो बाहर के लेखी जे घर के बहू भी नेखे बनल बाड़ी अभी कैसे मेहरा हाउस के बड़की बहू के हाथ से सुहाग के थाल छीन के लेके जा सकेली हूँ। आप उनका के काहे कुछ नेखे कहनी भाभी जी। उनका गीत वाला डायरी में हमके पता बा और कहाँ मिलल लव लेटर्स और हर लव लेटर्स के नीचे लिखल रहे आपके जसलीन। यह बात तो हम कहत बानी चाची जी, आप इतना चुपचाप काहे खड़ा रहनी, सिमोन से कुछ कहनी काहे ना। हम सोचनी कि त्योहार वाले दिन का लड़ाई करी। इतना छोटा बात ना मत चाची जी, आप इतना छोटा सा कलेश ना करके घर के इतना बड़ा रिवाज तोड़े से ना रुकनी। पर काहे चाची जी, ये कैसे हो सकेला। तू लोग अपन दिल में मत लगावा, जा तू लोग ऐजा से, हमरा के थोड़ा बैठा दा। हमारे सिर बहुत बुरी तरह से घूमता, हमरा का थोड़ा सा आराम कर लेदा। नेखी बड़की भाभी जी, हम यहाँ पर आपके पीछे छोड़ के कैसे जा सकेनी। तू दोनों के जाब जरूरी बा अर्शी, जाके देखा तो सही जो सुहाग के थाल लेके गईल बाड़ी वो माता रानी के पूजा सही से करत आ रही के ना। लेकिन भाभी जी, तू लोग फिर से बहस करत आ रू, तोरा के कहनी ना, तू दोनों जाए जैसे। थाल दी हमके सास बनेंगे बा मम्मी जी, और हम बन गई बानी घर के नई बड़ी बहू। तो ठीक कहता रू अर्शी, पता ना हमसे इतना बड़ा कैसे पाप हो गई कि भगवान हमरा के इसन सजा देता। बोली माता रानी, बोली हमरा से इतना बड़ा का गलती भइल बा कि तू हमरा के अपन चरण से दूर कर देलू। काहे माता रानी, काहे बताई हमरा से का गुनाह हो गई, कौन से गुनाह हो गई। ले गई ना तोरा हाथ से सुहाग के थाल छीन के ऊ। हाँ मम्मी जी, ले गई ऊ हमरा हाथ से छीन के। हमरा पास कुछ भी नहीं खे, हम कुछ ना कर सके नी मम्मी जी। तू कर भी का सकेलू बेटी, उस शहर के लड़की बाड़ी, नए जमाने की, पढ़ल लिखल बा, अमीर माँ बाप के लेकी बा, और ओकरा के अपन माँ बाप के पैसन के बहुत घमंड बा। एकरा माँ बाप तो एकरा के कुछ कोनो बात सिखाइबे ना हुई है। हाँ मम्मी जी, हमरा के लागता वो लोग एकर जिद पूरा करत हुई है, कभो भी ओकरा के अच्छी सीख सिखाइबे ना कैले हुई है। हाँ वो लोग तो इहो ना सिखाइनी कि वो केहू के दिल ना दुखाए। हर इंसान के अंदर भगवान रहेला, और उ लोग इहो न सिखैनी कि अपन बड़न से बात कैसे करल जाला। उ तो बस इहे सीख के आइल बा कि मेरा हाउस में हमार सर पे बैठे के बा उ काहे जबरदस्ती तोहार बहू बने के चाहता री। एक ई बाड़ी और एक उ केकर बात करता नी मम्मी जी। अनजान मत बना बेटी, सब पता बा तोहरा के। तोहार असली बहू के बात करता नी, मेरा परिवार के लड़का के पसंद, जेकरा के ऊ अपन पत्नी मानेला, जेकरा के तू ई घर से बाहर निकाल देलू हा, ई कह के कि एगो ढोली के लड़की कबो ई घर के बहू ना बन सकेली। आज हम इहे सोचतानी मम्मी जी कि शायद हम इहे गलती कर देनी हा। बहुत बड़ गलती बहिलवा तोहरा से, बहुत बड़। तोहर गलती के सुधारे के खातिर मल्हार ओइजा जाके गीत के पास ओइजा गाँव में बैठल बा। बस तुहे बा जे अभी भी अपन गलती सुधारे की कोशिश नहीं के करता रही। बोली मम्मी जी, आप बोली हम का करी, कैसे सुधारी हम अपन गलती। कोई तो रास्ता दिखाई मम्मी जी, कोई तो रास्ता दिखाई। गीत के हम बाधा तक कर देले बानी, पर ओकरा निभाई कैसे।
कैसे कैसे हम अपन कमाई से उकरा के गिफ्ट देहब। उकरा सूट के खातिर पैसा भी तो चाहिए था, वो कहां से लेबा मल्हार। हमरा के कोनो राह दिखाई मम्मी जी, हम कैसे कैसे अपन गलती सुधारी मम्मी जी। अब आप कुछ भी ना कर सके नी जसलीन जी, दोन हो रहा उकरा के होए दो, ये आधा सच्चाई बा। सच्चाई बा जी के साहब, मेरा हाउस के रिवायत टूटा था, रिवाज सब उल्टा हो गई, और आपके ही सब सही लगा था। कुछ भी उल्टा ना भइल बा, खाली रिवाज बदल रहे, नया रिवाज शुरू भइल बा, एक्सेप्ट करे के सीखा इस चीज के। ये कोनो छोटी मोटी बात नहीं खेजे के साहब। बात छोट हो या बड़, खुशी खुशी मान ला, दिल पे पत्थर रख के अब आपके पास कोनो चारा नहीं खे, आपके ये बात माने के ही पड़ी, कहे कि हम सिमोन के घर के बहू मान ले ले। अगर तू मान ले ला तो का वो बन गई ई घर के बहू। तू इहो भूल गईल बा कि ई घर के बहू बने के खातिर तोहार बेटे के साथ ओकर शादी होब जरूरी बा। शादी का काबा ओकर मांग में सिंदूर लगावे के ही बाकी है ना, बस हो जाए। ऐसे कैसे पड़ जाए ओकर मांग पे सिंदूर, मल्हार तो ओकरा के अपन पत्नी ना मानी। हमके मनावे के आवेला शकुंतला मेहरा, हम गांव में बंदा भेजले हैं, मल्हार चाहे या ना चाहे ओकरा ओ लोगन के साथ वापस आवे के ही पड़ी। अगर ना आई तो ओकरा उठा के लेके आई है, लेकिन एक बार ओकरा के हमरा सामने खड़ा जरूर करी और फिर हम सिमोन के हाथ मल्हार के हाथ में दे दे। ओकरा के जेकर हाथ पकड़े के रहे पकड़ ले ला जेके, अब तोरा कहे से उस सिमोन के हाथ तो ना पकड़ी। हमरा के पहले से ही मालूम बा शकुंतला मेहरा, तोके हमार हर बात के उल्टा ही चले के होखेला। आपनी बहू के तो बख्श दी। हम का कहीं नहीं अपन बहू के। अगर कुछ ना कहले भैया तो कहे भी मत, ओकर दिमाग ना खाई, आपके कान भरे के कौनो भी असर ना हुई जसलीन पे। जाई चल जाई यहाँ से। कहाँ चल जाई अब हम, अपन घर में कहा हम अपन बहू के साथ भी ना बैठ सके नहीं घर में। हाँ ना बैठ सके ले, जाई अपन कमरा में। धक्का मारब हमरा के, अपन माँ के धक्का मारब। शाबाश बेटा, कहाँ से सीखला है ये सब तू। जहाँ से भी हम सीख के आये हैं, पर आप चुपचाप करके यहाँ से चल जाई। पहले भी हम तोरा से 100 बार कह चुकल हैं, तोरा मेरा हाउस के फंक्शन में आवे के कोनो जरूरत नहीं है। पता ना तू फिर यहाँ पे कहे आ गईलू, कहे जात कहे नहीं खू तू अपन कमरा में। हम तोरा खातिर ई घर में अलग कमरा ये खातिर बने ले बा ताकि तू मेरा परिवार के लोगन से दूर होके रहा। तू ई कहे भूलता के मेरा परिवार के माँ बानी हम, और तू एक माँ के अपन बच्चे से दूर रहे की बात करता रह। हाँ जी जी के साहब, मम्मी जी के आप ऐसे कहे कहता नहीं, अगर वो ऐजा बैठ गई नहीं तो इमे का हो गई। आप बीच में ना बोला जसलीन जी, हमके पता बा हम का कह रहा हैं। शकुंतला मेहरा, मान ली हमार बात, हमार घरवाली के दिमाग ना खराब करा, चुपचाप जाके अपन कमरा में बैठ जाए। इतना घमंड अच्छा ना होला जेके, देख लिया तोहर ई अहंकार ही कहीं तोहरा के लेना डूबे। जब डूबे के नौबत आई ना तो हम खुद ही तैर लेब, सब कुछ जानत है हम। बस तू वैसे ही करी जैसे हम तोहरा से कहले ही, जल्दी से जल्दी हमार घरवाली के कान ना भरा। हम कुछ ना कहनी तोहार घरवाली के, वो खुदे समझदार बाड़ी हा, ओकरा के अच्छा बुरा सब कुछ दिखेला। अगर ओकरा मालूम बा तो ओकरा के आप यहाँ पर बैठ के का सिखावे के चाहेलू, बतावा हमके। इतना जबरदस्ती मत करा आपन घरवाली के साथ। अगर वो तोहरा के कुछ नहीं के कहा तारी तो एकर मतलब ये नहीं खे कि तोहर बात के जवाब केहू भी ना दे। हमके कौन जवाब दी, केकर हिम्मत बा जेके मेहरा से पंगा लेवे के, बतावा बा केहू। बा मेहरा परिवार के बहू गीत। हम ना माने नहीं गीत के घर के बहू। तोहर माने या ना माने से सच ना बदल जाई जेके, ई घर के बहू गीत बाड़ी, और वो आई और जरूर आई।
आप तो शकुंतला मेरा के अच्छा तरीके से जाने लो ना, जो बोले के चाहे लुकरा के बोले दो, उकर कौनो भी बात माने की जरूरत नहीं है। खाली आप सिमोन के ध्यान रखिया, जो सिमोन कर रहा बारी ना उकरा के करे दा। कमाल करे तानी जी के साहब, जरा ये तो सोची कि कौन से हक से सिमोन एगो कुंवारी लेकी सुहाग की थाल लेके माता रानी के सामने समर्पित करे चल गई। अब कहाँ गई मेहरा हाउस की रिवायत और कहाँ गई रिवाज। ये घर हमार बा, हम मालिक है मेहरा हाउस के। ई रिवाज सब कुछ बदल सका था ही हम। बस आप ई बात के ध्यान रखिया, सिमोन जे भी कर रहा बाड़ी वो हमारी इजाजत लेके कर रहा बाड़ी, जे के मेहरा के इजाजत से, समझ गए ना। आप इजाजत दे सके नहीं जे के साहब, लेकिन हम कबहू ना, अगर हमरा बात केहू माता रानी के चरण में थाल समर्पित करी तो उ ई घर के बहू होई। हम आज हमार और तहार हिसाब जरूर करब, गीत जरूर करब। आप बहन जी एगो सिंदूर के डिब्बी हमरा के भी दे दो। हाँ जी लीला। कितना हो गई? 20 रुपए हुई। इला हाँ मम्मी बताई। तोरा कुछ ना कहे के बा, गीत कहाँ बड़ी? यह पर बानी मम्मी, लेकिन का करी वो हमारे हाथ ही नहीं आई। लब तक हाथ ना आई मतलब का कहता रही हूँ? बस वो हमारे बात ही नहीं की मानता नहीं, हम जितना ओकर नजदीक जाएनी उतना वो दूर भाग जाली। अगर ई बात बा तो वो तोरा साथ ऐजा कैसे आई? तू ओकरा के समझाई ला ना अपन रिश्ता के बारे में? एक बार ना मम्मी, बहुत बार समझेनी हम ओकरा के, बहुत समझेनी की हम हस्बैंड बानी ओकर और वो हमारे वाइफ, लेकिन वो बात ही नहीं के सुनत हमार, कुछ समझल चाहती नहीं के। फिर बात कैसे बनी बेटा? अगर वो तोरा के अपन हस्बैंड ना माने ली तो वो वापस कैसे आई बेटा? ऐसे मम्मी हमरा के लगता वो हस्बैंड मानत नहीं हमरा के। का बेकार की बात करा तारा, अभी कहा तारा कि वो मानत नहीं की। हाँ मम्मी जी, वो हमरा साथ वापस नहीं के जाएल चाहता नहीं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी ना कहलस की वो हमरा के अपन पति नहीं के मानता नहीं। शुरू से एक एक बात बोलत नहीं की हमार ब्याह के केहू नहीं मानत। हम मानत नहीं बेटा, तू ओकरा की कहा कि तुहार मम्मी माना तारी, तुहार मम्मी माना तारी बेटा। हम बतेनी मम्मी, पर शायद ओकरा के ई चीज समझे में तनी टाइम लग जाई। जल्दी करा बेटा, हमरा के अपन गलती सुधारे के मौका दे दा, जल्दी मौका दे दा बेटा। हम ओकरा त लेके ही आई मम्मी, पर आप इतना रो काहे रहल बानी, का भइल आपके? हमरा के का हुई बेटा, तोरा के तो पता है बा मेरा हाउस के माहौल के। का भाईल का बा मेहरा हाउस में? बस ई घर के शगुन टूट गईल बा बेटा। कौन चीज के शगुन बा मम्मी? करवा चौथ बेटा, तोरा बिना और ऐजा का शगुन के काम हो सकेला? हम तो हर बार की तरह ई बार भी सुहाग के थाल लेके माता रानी के समर्पित करे जा रहत रानी, तो सिमोन हमार हाथ से थाल छीन लेलस और खुद थाल लेके मंदिर में चल गईल। वो हमार हाथ से सुहाग के थाल छीन लेलस, छीन लेलस मल्हार हमार हाथ से था। That means कि वो जबरदस्ती घर के बहू बनल चाहता नहीं। हाँ मल्हार, उस सब के सामने कहता रही कि अब हमार छुट्टी हो गई बा, अब सारा रसम रिवाज उहे करी। कोनो बात ना मम्मी, ओकरा जिद करे से का हो जाई, ऐसे करके वो घर के बहू नहीं के बन सकत, रिवाज बा जौन मर्जी करे दी। ना बेटा, तू बाहर से आयल बा, तोरा की ये सब बात की समझ नहीं है। तोरा खातिर तो ये सिर्फ रसम बानी, पर हमरा खातिर रसम ना, हमरा खातिर आत्म सम्मान बा, वो हमार आत्म सम्मान के कुचलस हा, हमार इंसल्ट कैला हा बेटा। अब तुहे बतावा बेटा, हम अपने आप के कितना छोटा फील करत नी। तू बस आ जा, घर आ जा मेरा बेटा, तू गीत के वापस लेके आ जा, वापस आ जा बेटा। प्लीज मम्मी, आप इतना मत रोई, हम बहुत जल्द गीत के वापस लेके आ जाए, मेहरा हाउस के बहू बहुत जल्द मेहरा हाउस में वापस आ जाए आपके आँख के सामने। प्लीज मम्मी जी, आप इतना मत रोई, प्लीज। तू वादा करा मल्हार, हमरा से वादा करा कि तू हमार बहू गीत के ई घर में लाए बिना ई घर में पैर ना रखबा। हम वादा करता नहीं मम्मी जी कि गीत बहुत जल्द मेहरा हाउस में आ जाए
और हमरा साथ ही आई। बहुत चोरी चोरी बात हो रहा बाना अपन बिटुआ से। बताएं जसलीन जी, का सिखाओ रेलु मल्लार के? हम ओकरा का सिखाए जे के साहब, उ हमार बेटा बा, पढ़ा लिखल बाऊ, अपन बुरा बुलाक उ खुद देख सकेला। जसलीन जी जोन हम पूछ रहा लही ओकर सीधा सीधा जवाब दी, कौन बात होत रहे माई बिटुआ के साथ? जी के साहब, अगर सवाल के जवाब लेवे के बाना तो कम से कम अपन वाइफ से बात करे के तरीका आवे के चाहिए। कम से कम अच्छे से बात तो करे के चाहत रहे ना आपके, और कुछ ना सीख सके नहीं तो अपन वाइफ के इज्जत करब तो सीख ली।